सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है भारत के एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ के जीवन पर आधारित कार्यक्रम मौलाना अबुल कलाम आजाद। नर्म दिल के दोस्त के मानिंद रो दिया, दुश्मन ने भी जो अपनी मुसीबत बयान की, आजाद ये खुदी का नशे वो फराज देख, आजाद ये खुदी का नशे वो फराज देख, पूछे आसमान की। ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा। पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते। इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? हाँ? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने, पता है क्यों? क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो? अरे ये तो खेल है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं। क्यों तालियां क्यों बजाएं हम? भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी। उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया। उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी। बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें। मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे। जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी। स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों? सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है, 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो
निकाल लो। 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला। ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था। 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और विश्वास। अबुल कलाम आजाद। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख जेबुन निसा हया, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, ध्वनि संपादन नीलू राज, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। आलेख जीवन निशा हया, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, ध्वनि संपादन नीलू राज, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।